गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी बाबू मेरा सो रहा है, बिट्टू मेरा, और मैं उठ गई हूँ। इस समय अभी बजे हैं 7:15। अभी मैं बाल धुली हूँ, कुम्भ में की हूँ। तो गाइस यहाँ सुबह का बज रहा था 6 बज रहा था, और मॉर्निंग का मैं यहाँ पे ब्लैक टी जो मेरा होता है मैं उसी को पी रही थी। तो ये ब्लैक जो कप दिख रहा ना, ये कप मैं न्यू खरीद के लाई ले, क्योंकि मुझे चाय बोल रही थी ना पीने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए तो यहाँ मैंने चाय वगैरह पी ली। अब मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो आजकल रुखे रुखे हो जाते हैं, तो ज़्यादा अजीब सी खींची खींची सी होती है, खुजली टाइप में होती है, नहीं होती है। इसके बाद मैं चलती हूँ किचन में, मिलती हूँ। यहाँ पे मैं अपने किचन में आ गई हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले रख देती हूँ बथुआ का साग। नहीं, पालक था, मुझे पालक का नमूना बनाना था, तो मैं इसलिए चाय भी एक साइड बना दी थी। और चाय बनाने के बाद पापा की चाय, बच्चों की चाय दे रही थी, उसके बाद मैं एक साइड में उधर देखी पालक मेरी छड़ गई है बॉयल होने के लिए, तो इसको पीस कर बेटी आ गई है। चाय नाश्ता चाह रहा, तो बस चाय के लिए चाहता है कि जो भी बिस्किट हो, चाहे समोसा हो, चाहे ब्रेड हो, जिससे हो, बस उसको डुबो खाओ, उसके बाद चाय को फेंक दो, ऐसा काम होता है। तो यहाँ मैं चाय और बड़े मैं पापा को दे दी हूँ, अब बच्चों के लिए कर रही थी। तो मैं यहाँ पे ये वाला बैगन निकाली हूँ, क्योंकि इसके साथ बैगन का भरता टाइप में बनेगा, तो वो पापा जी को देना ही है, क्योंकि इसके साथ कोई सब्जी वैसी अच्छी नहीं लगती, चाहे मटर करी बना हो चाहे पालक करी बना। और मैं यहाँ पे अब चल रही हूँ, सारा काम करती हूँ, तो आप लोग बने रहिए थोड़ा देर के लिए, मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग इन्जॉय करिए वीडियो को, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोग। टॉयलेट जाना है, पोटी जाना है, आप दोनों पॉट बढ़िया धो ले हूं साफ से। पकड़ो बेटो, पकड़ो, उजल रहा है ना, हमें नाम लिखा है ना, सॉरी ना।
यहाँ पे मैं अब चल रही हूँ, प्याज छील रही हूँ, तो बनाना है मैगी और मटर छील के उधर साफ़ करके रख ली हूँ और मैगी प्याज काट रही हूँ। दो प्याज तीन प्याज बहुत है मैगी बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में ना बच्चों को बस विंटर आ गए तो खाने का बहाना, बच्चे क्या बड़े भी वही खोजते हैं, खाने का बहाना होना चाहिए, कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए अच्छा अच्छा तो ऐसे खाने का मज़ा सच पूछे तो ठंडक में ही है, क्योंकि मटर है, ये है, वो अगड़म बाइस कई चीज़ें हैं और सब लोग खा लेते हैं। यहाँ छोटी बेटी कुछ पूछ रही थी तो मैं उससे बातें भी कर रही थी, बता रही थी कि हाँ, बोल रही थी मम्मा मैगी बना रही हूँ, कहा जल्दी, कहा हाँ बना रहे हैं, तुम आ जाओ पढ़ो, मैं बना के उसके बाद तुम्हें बुलाती हूँ। तो वीडियो इस तरीके से मेरा सारा काम पूरा दिन ऐसे ही रहता है, बच्चों को संभालना, घर को देखना, सारे काम करना, पूरी जिम्मेदारी से पूरे अपने घर को संभालना, एक हाउस वाइफ होने के नाते एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं कि जो हमें बहुत अच्छे तरीके से संभालना होता है, जबकि ऐसा बहुत लोग होते नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना से ज़रूरी है। इंसान लोगों का जन्म इसलिए होता है कि सारे सिस्टम को, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है यार, सब कुछ दिया है, हाथ पैर ना सारी चीज़ समझने के लिए, तो हम किस चीज़ से कम ही है, कम कुछ भी नहीं है, बस हाँ सब ठीक है। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए, अभी मैं मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोग से। मेरी अभी तो मैं चली हूँ फटाफट, पहले काम करूँगी, यहाँ कपड़े ला के मैं रखी थी सिर्फ स्वेटर को धोने के लिए, बट अभी टाइम नहीं मिला तो अब नहीं धो सकती, बट यहाँ सफाई करना है अभी, क्योंकि जो रूम का फैला हुआ चीज़ था वो ऐसे ही है पड़ा हुआ, मुझे बिल्कुल मन नहीं इस समय करा। मैं चली हूँ खाना खाऊँगी, फिर उसके बाद मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, भोजन करने के बाद यही पूरा दिन हो जाता। मैं इधर लगा दी हूँ कपड़े डालने, दो चला दी हूँ मशीन में, आवाज़ आ रही होगी। अब मैं चली हूँ नीचे, अभी इस गेट को बंद कर देती हूँ बालकनी वाला, इधर का भी इसको भी। यहाँ पे मैं अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ, क्योंकि दूसरा वाला जो फ्लोर होता है उससे मैं पहले सेकेंड वाली जाती हूँ, क्योंकि ये सेकेंड था, अब यहाँ सेकेंड वाला आ गया, मैं नीचे उतर जाती हूँ। तो चल रही हूँ नीचे का काम सारा करने, नीचे भी आने के लिए बहुत सोच कर। आप लोग पहले टीवी बंद कर, कौन कहाँ टीवी खोलने को, खाली मम्मी चादर ले आए पे बिछाने को, शाम को बिछाने। तो गाय सभी जस्ट मैं पूरा खाली हो चुकी हूँ, इसमें बजे हैं 2। और कल, हाँ कल मैंने एक चीज़ आप लोग से बताना भूल गई कि मैं अपनी तो गाड़ी चलाती ही हूँ, जो चलाती हूँ, तो मुझे था कल ऐसे मन में आया कि चलो, क्योंकि इधर भी बच्चों की छुट्टी है तो पापा लेके जाते हैं वो वाली गाड़ी, और पापा वाली यहाँ पे गाड़ी रहती है आप लोग को, तो मैं यही सोची कि चलो अच्छा ट्राई करते हैं इसको, कि ये क्या होता कि मैं इमरजेंसी कभी पड़ी कि वो गाड़ी नहीं है, या वो गाड़ी कुछ भी वजह से एक बात होती है ना, होती है कि हाँ हो गया तो चलो, तो उसको मैं इसको चला सकती हूँ कि नहीं चला सकती हूँ। मुझे ये लग रहा था कि मैं नहीं चला पाऊँगी, पूरा मेरे अंदर से जो कॉन्फिडेंस था पूरा स्लो था बिल्कुल ये नहीं था कि हाँ मैं चला सकती हूँ, मुझे ये लग रहा था नहीं मैं नहीं इससे संभाल सकती। बट डॉगी ना, जब मैं बात करती हूँ तब तक वो डॉगी मेरे साथ बोलता रहता है, क्योंकि उसे पता चलता रहता है कि अभी ये ब्लॉगिंग कर रही है या बातें कर रही है, और जिस समय मैं बात नहीं करती हूँ, अधिकतर इधर बीच होता है, क्या दे सॉरी इधर बीच थोड़ा सा मुझे वॉइस को काफ़ी ज़्यादा ओवर करना पड़ा है, क्योंकि शादी का जो फंक्शन प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गाने ढोल नगाड़े बाजे, और यहाँ तो बिल्कुल मैं नहीं बैठती हूँ पार्किंग एरिया में, क्योंकि पार्किंग एरिया में जो कि गर्मी में थोड़ा बैठती हूँ, आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग भी करती हूँ, बताती भी हूँ, बट इस समय एकदम बिल्कुल नहीं था। कारण यही है कि देखिए अभी भी खटी पिटी की आवाज़ आपको आ रही है, तो शादी भी एक मौसम में सारी चीज़ सुनाई देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तो इसीलिए मैं सोची चलो आज मैं अभी यहाँ बात कर, अभी आज गाने ढूंढने गाने बजे, हाँ तो मैं इसी को बता रही थी, तो कल मैं उसी बता रही भूल गई, बताना भी यही से बात भूल, तो कल मैं इसे दोपहर में निकाली, 2 बजे करीब मैं स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद इसे लेके गई
लेके यहाँ से लेके मंदिर के सामने तक पीछे तक मैं गई और चलाई। मुझे थोड़ा सा लगा कि ठीक है, परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी कि हाँ मैं मुड़ने में या कुछ करने मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ये समझ में आया ठीक है जैसे उसका है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ ये तो और अच्छे से चलती है, पकड़ के ज़मीन को चलती है, वो थोड़ा हल्के की वजह से बैठने की वजह उछलती है हमको अप डाउन कराती है, बट ये तो अच्छे तरीके से बैठ जाती है। पर मैं इसे कल चला के वहाँ से वहाँ तक ट्राई की हूँ और मेरे रूम में आजकल ब्लॉग नहीं बन पा रहा है क्योंकि मेरे रूम की लाइट जो है फ्यूज हो गई है और उसे लाना भी है तो मैं नहीं ला सकती क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता वो सब लाइट वगैरह की चीज़ें। तो अभी ये है नहीं मेरे हबी और ये गए हैं हम लोग को छोड़ के गए हैं गाँव ऐसे पति देव मिले क्योंकि चलिए सवे तो काम ऐसे डेली का नहीं, उनका हमेशा का तो नहीं होता, हाँ लेकिन गांव है तो काम है, करना है, जाना है तो करना ही पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा बातें कर ली, 3 मिनट का वीडियो बन गया, तो चलिए अभी मैं यही बता रही थी ऐसे बैठी तो मुझे लगा मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँ। चलिए फिर अगर ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्माइल के साथ आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का जो इतना सपोर्ट प्यार बनाने के लिए। बॉल मच्छर मार मार के बैठ मतलब क्वेश्चन चल रहे हैं, तुम्हारे उसे चल रहे हैं, हम ऐसे किए हैं ना, देखो देखो उसी में उसर गया, क्या हो गया, मर रहा है बेचारा, ये देखो अजीब सा स्मेल भी आ रही है। ऐसे मैं की हूँ तो इतने ढेर सारे मच्छर आ गए, हमें चढ़े अरे कपड़े डालने, और मैं इसमें सॉल नहीं डाल सकती, ये वाला जो उड़ने वाला होता है ये, क्योंकि इससे थोड़ा ख़राब हो जाएगा अभी।